हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोगों से बड़ा चूतिया कोई नहीं है, मेरे से बड़ा चूतिया कोई नहीं है, आपसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, हम लोगों ने आज तक जितने लोगों को स्टार बनाया, उन स्टार्स का भी फर्ज बनता है कि अपने फैंस के भावनाओं के साथ हमेशा जुड़े रहें और उनके भावनाओं के साथ हमेशा खड़े रहें। लेकिन आजकल हमारे कोई भी स्टार हमारे साथ किसी भी मुद्दे पर खड़े नहीं दिख रहे हैं, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो या फिर राम मंदिर का मामला हो। कोई भी क्रिकेटर, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, या फिर जो भी हो, कोई भी क्रिकेटर या फिर कोई भी बॉलीवुड स्टार, अक्षय कुमार हुआ, सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, जो भी, कोई भी हमारे राम मंदिर के भावनाओं के साथ हमारे साथ नहीं जुड़ा। क्यों? आखिर क्या बात है? उनको अपने फैंस की कोई चिंता नहीं है? क्यों वो केवल अपने फैंस से यही उम्मीद रखते हैं कि वो फिल्म बनाए और उनके फैंस जाकर थिएटर में देखें और खूब तालियां बजाएं, मजे लें और पैसे उड़ाएं? क्रिकेटर्स ये चाहते हैं कि उनके क्रिकेट देखने के लिए स्टेडियम में लोग जाएं और उनके उनके उनको प्रोत्साहित करें, बस उनका उनका अपने फैंस से यही उम्मीद है। और फैंस का कोई उम्मीद अपने स्टार से नहीं होता है, फैंस का भी उम्मीद अपने स्टार से राम मंदिर पर था, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में है। लेकिन यहाँ पर कोई भी स्टार अपने फैंस के भावनाओं पर खरा नहीं उतर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आखिर इतने बड़े बड़े स्टार हैं, ये डर क्यों रहे हैं? समझ में ही नहीं आ रहा। क्या रिया चक्रवर्ती से डर रहे हैं? रिया चक्रवर्ती आखिर है क्या चीज? क्या चीज है रिया चक्रवर्ती जिसके चलते अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान सभी डर रहे हैं? रिया चक्रवर्ती क्या इतनी बड़ी डॉन है, या फिर रिया चक्रवर्ती के पीछे कोई और है जिससे ये लोग डर रहे हैं? अरे तो खुल के बोलो ना, तो ये तो पूरा दुनिया जान रहा है कि ये डी गैंग का काम है और दाऊद से ये लोग डर रहे हैं, इनका फट रहा है। जनता पूरी जनता आवाज उठाई हुई है, लेकिन इन लोगों की फट रही है? जनता की नहीं फट रही है भैया, जनता इस लड़ाई में कूद गई है और जनता इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेगी, चाहे साला वो दाऊद इब्राहिम ही क्यों ना हो। दाऊद इब्राहिम भी सामने आएगा तो उससे भी लड़ेगी ये जनता, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाएगी, ये तो मतलब समझिए कि तय ही है। बिना इंसाफ दिलाए तो अब ये जंग रुकेगा ही नहीं, चाहे अब कोई हमारे साथ खड़ा हो या फिर ना हो। लेकिन एक बात और जान लेना कि जितने लोगों को हम लोगों ने अब तक स्टार बनाया है ना, अब उनकी उल्टी गिनती शुरू। चाहे वो अक्षय कुमार को मैं अभी तक अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन था, बहुत बड़ा। अक्षय कुमार के लिए तो मैं किसी से लड़ भी जाता था, लेकिन अब तो मैं अक्षय कुमार से इतना नफरत करता हूँ कि मतलब शायद आप कल्पना भी नहीं करते कि इतना बड़ा स्टार का फैन हो के, मैं बहुत बड़ा फैन अक्षय कुमार का, मैं बहुत बड़ा फैन था, लेकिन अब मैं मुझको उसे बहुत ही ज़्यादा नफरत हो गया है। सबसे उम्मीद थी कि वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, राम मंदिर का मामला हुआ या सुशांत सिंह राजपूत का मामला हुआ, वो कुछ नहीं बोलेंगे। मुझे बाकी लोगों से उम्मीद यही थी कि कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन अक्षय कुमार से ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि अक्षय कुमार भी उन लोगों के जैसा गूंगा बन जाएगा। तो मैं तो अब किसी का फैन नहीं हूं, अब कोई मेरे लिए स्टार नहीं है। मकसद अब एक ही है, क्यों हम किसी स्टार से कम हैं? आप किसी स्टार से कम हैं, उनको स्टार क्यों बनाएं? आपके अंदर टैलेंट है, आपको स्टार बनाएंगे। अब केवल न्यू कॉमर्स स्टार बनेंगे। अब जो भी स्टार बन गए उनको तो अब रोड पे लाना है। बस अब आप लोग अपना साथ दीजिए और हमारे इस मुहिम के साथ जुड़े रहिए, ठीक है? और अपना आवाज़ जोरों शोरों से उठाते रहिए, इंसाफ मिलेगा, सुशांत सिंह राजपूत का इंसाफ
जरूर से जरूर मिलेगा, चाहे कोई हमारा साथ दे या फिर ना दे, ठीक है। और दूसरी बात, ये पुलिस वाले मुंबई में जो हैं, मुंबई में पुलिस जो हैं, ये लोग गुंडागिरी थोड़ा ज्यादा ही नहीं कर रहे हैं, ज्यादा ही थोड़ा गुंडागिरी नहीं दिखा रहे हैं, गुंडा वाला राज नहीं चला रहे हैं। आखिर सीधा साधा जो दिख रहा है कि ये मर्डर है, उसको इन लोगों ने आत्महत्या घोषित कर दिया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब अगर उतने बड़े स्टार, उतना फेमस लड़का जिसको पूरा दुनिया जानती है, उसका मतलब मर्डर हो जाता है और उसको पुलिस ही खुद सुसाइड डिक्लेयर कर देती है, तो फिर आपका और मेरा क्या अहमियत रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। तो अगर अपन आपका और मेरा अगर अहमियत अगर रखना है, ठीक है, कि पुलिस आइंदा से फिर ऐसा करने में 100 बार सोचे, तो फिर ये आवाज़ को तो बुलंद रखना ही पड़ेगा। नहीं तो ये आज सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है, कल मेरे साथ भी हो सकता है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। अगर आज आप सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़े नहीं रहिएगा, तो कल हमारे साथ या फिर आपके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो बस जागे रहिए, और ये जितने लोगों को हम लोगों ने स्टार बनाया है ना, अब उनका बजाते रहिए। जय श्री।